सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। आज भारत खुद विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के सपने देख रहा है, लेकिन यहाँ के गांवों में आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपराएं विद्यमान हैं। कभी कभी ये परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर और देखकर कोई भी सन रह जाए। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पीनी गांव की एक स्टोरी, जहां की परंपरा को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी स्थित पीनी गांव में आज भी सदियों पुरानी परंपरा कायम है। यही नहीं, इस परंपरा में यहां के लोगों को पूरा विश्वास भी है। कहते हैं कि शादी विवाहों के दौरान महिलाओं का मजाक और पत्नी पति में नोकझोंक के काम बात होती है, लेकिन इस गांव का मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है। दरअसल पीनी गांव में जो रिवाज सदियों से चला रहा है, उसमें हर साल पति अपनी पत्नी से 5 दिनों तक बात नहीं करता है। यही नहीं, यहां की महिलाएं साल के 5 दिन बिना कपड़ों के रहती हैं। ये महिलाएं अपना हर काम बिना कपड़ों के ही करती हैं। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि अगर इस गांव की महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। यहां के लोग 5 दिनों तक शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। आप इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी परंपरा जिसमें साल के 5 दिन बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। साल के आखिर किन दिनों में इस गांव की महिलाओं को ऐसा करना पड़ता है? आपको जानकारी के बता दें कि अगस्त महीने की 23 से 27 तारीख तक इस गांव की महिलाओं को नंगा रहना पड़ता है। इसे काला महीना भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जिन दिनों पीनी गांव में राक्षसों को आतंक था, तक यहाँ लाहुआ घोट देवता यहाँ आए थे और राक्षसों का विनाश किया था। भाद्रो संक्रांति को ही काला महीना कहा जाता है। तब से ये परंपरा आज तक कायम है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।